हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको इंग्लिश कहाँ से पढ़े, बहुत जगह इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। कई पेड कोर्स दे रहे हैं, कोई बहुत महंगा कोर्स दे रहा है, लेकिन पाठक का एक ही सिद्धांत है कि बच्चे को पढ़ाई फ्री में मिलनी चाहिए, कि हर एक बच्चा बिना किसी टेंशन के। देखो बेटा, हम एसएससी का सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकते, हम आपको इतना पढ़ा सकते हैं कि उसका जितना रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, इंग्लिश का हम कराएंगे, रीजनिंग का हमारे राहुल सर आपको कराएंगे, पूरी प्रैक्टिस करा जाएगी और उसका एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, टेस्ट कराए जाएंगे, आपके क्लोज टेस्ट कराए जाएंगे, जो भी होगा सब आपको कराया जाएगा। रीजनिंग का आप राहुल सर को तो जानते ही होंगे, वो कराएंगे, और इंग्लिश का हम कराएंगे, ठीक है। तो पाठक का एक ही सिद्धांत है कि सारे विद्यार्थियों को, जिनके पास पैसा है या जिनके पास नहीं है, वो सारे विद्यार्थी बिना टेंशन के पढ़ सकें, ये पाठक का सिद्धांत है। तो आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो सके, इसी के लिए आज से, आज हम ज़्यादा पहली बात तो पढ़ाएंगे नहीं, बस आपको थोड़ा सा रेफरेंस देंगे एसएससी में आता क्या क्या है, जो कि आपको पता है। लेकिन एक तरीका होता है बेटा कि बच्चों को, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो घर से पूरी तैयारी के साथ जाते हो कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है, उसमें कितना पिकअप है, बीएचपी है, सब कुछ है। लेकिन जब आप वहां जाते हो तो वहां का जो सेल्समैन होता है, जैसे हम हैं, तो वो पूरी जानकारी आपको देता है कि क्या क्या है सर, क्या बेनिफिट है, आपको सब कुछ बताता है, लेकिन तब आप बहुत ध्यान से सुनते हो। वही काम हम आज यहाँ पर पहले दिन करेंगे, बाकी जो आपकी तैयारी है वो आपकी कल से शुरू होगी। बस आज हम श्री गणेश करने आए हैं और आपकी रीजनिंग भी बहुत जल्दी ही चालू होने वाली, सारे बच्चों को, सबको बेनिफिट होगा। तो जो आपका एसएससी का बैच है वो चालू होने वाला है, और दूसरी चीज, एसएससी के इंग्लिश के कोर्स में आता क्या क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जो आता है बेटा वो पहला होता है इडियम एंड फ्रेज, दूसरा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई शब्द होगा उसके लिए आपको एक शब्द, एक कोई सेंटेंस होगा उसके लिए एक शब्द लिखना होगा। करेक्शंस आते हैं, करेक्शन मतलब क्या होता है, दो तीन चीजों में करेक्शन आता है बेटा, एक वर्ड करेक्शन होता है, एक सेंटेंस करेक्शन होता है, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, ये तीनों चीजें आती हैं, ठीक। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या आता है, सेंटेंस आपके सामने बिल्कुल सही लिखा होगा लेकिन उसको सही तरीके से, जैसे घर में सोफा यहां पड़ा है, बेड वहां पड़ा है, अलमारी कहीं पड़ी हुई है, तो उसका रीअरेंजमेंट करना होता है, वैसे ही सेंटेंस में भी रीअरेंजमेंट होता है। और करेक्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा, जो गलत होगा उसको पूरी तरीके से सही करना पड़ेगा। एरर स्पॉटिंग, ये करेक्शन का दूसरा रूप है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट होता है, आपको करेक्ट नहीं करना है, बस ये बताना होता है कि कहां पर गलती है, एरर को ढूंढना होता है, ठीक। आपको हमसे ज्यादा पता है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। तो दूसरा आता है फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे खतरनाक चीज होती है फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी आ सकता है, वर्ब आ सकती है भरने को, प्रेपोजिशन आ सकता है भरने को, आर्टिकल आ सकता है भरने को, कंजंक्शन आ सकती है भरने को। तो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा चैप्टर क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा है स्पेलिंग्स करेक्शन। अब स्पेलिंग बेटा वो तो हम देखो, वही वाला हाल है कि हमको तो नहीं पता ना कौन सी स्पेलिंग पूछेंगे, लेकिन हम आपको तैयारी करा देंगे कि दुनिया कौन हो स्पेलिंग, आप उसको सही कर लो, इससे ज्यादा क्या हो। दूसरा आता है एक्टिव पैसिव वाइब्स, जो कक्षा छह से पढ़ते हुए आ रहे हो, एक्टिव पैसिव। तीसरा और आता है रीडिंग कंप्रेंशन, कंप्रेंशन होती है उसको रीड करके आपको, एक तरीके से उसको कह सकते हो अनसीन पैसेज, ठीक है। और सिनोनिम्स आते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स माने पर्यायवाची, एंटोनिम्स माने उल्टा सीधा, ठीक है। और आपका आता है इंप्रूवमेंट, आता है काफी चीज इंप्रूव करने के लिए आती है, ठीक। रीअरेंजमेंट आते हैं, ये सारी चीजें आपसे एसएससी में पूछी जाती है और ये टायर टू में पूछी जाती है। तो कुछ बच्चे इंग्लिश का कोर्स लेने के लिए बहुत परेशान होते, बहुत महंगे महंगे कोर्स आ रहे हैं, बच्चे परेशान है कि सर पैसा नहीं है, घर वाले इतना, पहली बात, बाकी हमने और कोर्स ले लिए हैं। तो आप परेशान ना हो, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा, बस पाठक का नाम याद रखना, इससे ज़्यादा पाठक को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।